Hi, what's up guys, this is Chetan Singh here, and today I'm gonna tell you how can you put this tie inside your collar without actually lifting this up. You will not lift this up, but still the tie will go inside right here perfectly. Kaise? Stay tuned, main aapko batane wala hu. So aapko karna kuch nahi hai, aapko kya karna hai, aapko simply tie leni hai. Ye meri tie hai, alright, normal tie, okay. ये आपको नॉर्मल तरीके से अपने कॉलर के यहाँ पे रखनी है. आई एम सॉरी अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो, बिकॉज आई हैव अ स्क्रीन हेयर एंड आई नीड टू सी बिफोर आई टेल यू और वाइल आई एम गाइडिंग यू आई नीड टू सी ऑन माई स्क्रीन एज वेल, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू टेल यू. सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. सो एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आपको ये टाई इसके लेवल में रखनी है. सो बेसिकली द गैप विच यू कैन सी बिटवीन द कॉलर एंड योर शर्ट हेयर, ये एज आपको इधर रखना होगा, जस्ट लाइक दिस. ये देखिए, आपको थोड़ा प्रेस करके नीचे की तरफ रखना होगा. ऑलराइट, ये भी नीचे की तरफ आ गई है. अब आपको क्या करना है, आपको बहुत स्मार्टली ये जो आगे वाला पार्ट है ये आपको पहले कॉलर के अंदर ऐसे डाल देना है. ये देखिए पूरा अंदर चला गया है ये. अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको एकदम जेंटली लेफ्ट हैंड से टाई को खींचना है. बहुत बढ़िया, ये देखो खींचते हुए आपको ये भी अंदर इंसर्ट कर देना है. सो मैंने कॉलर उठाया नहीं, लेकिन मेरी टाई ये देखो एकदम परफेक्टली अंदर चली गई है. ये देखो यहाँ से एकदम अंदर चली गई है. सो बेसिकली ये ट्रिक मेरे सारे सरदार भाइयों के लिए, बिकॉज क्या होता है व्हेन यू वेयर अ पग, कॉलर उठाने में एंड कॉलर बिठाने में थोड़ी तकलीफ होती है. चलो कॉलर तो हम उठा लेंगे, लेकिन उसको बिठाएंगे कैसे, फिर हमें किसी की असिस्टेंस लेनी पड़ती है. ऑलराइट, सो व्हेन आई वाज विद ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, आई यूज्ड टू आस्क माय कलीग कि यार मेरा कॉलर नीचे कर दे, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, एक तो मेरी शर्ट टाइट होती है, ऑलराइट, एंड ऊपर से मैं ये नीचे नहीं कर पाता था मोस्ट ऑफ द टाइम. सो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया करता था कि आप मेरा प्लीज़ कॉलर नीचे कर दीजिए, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू इट यू नो ऑन माई ओन. सो अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे मैंने एक चीज़ नोटिस की और मैंने ये खुद से इन्वेंट किया. आई डिड नॉट सी एनी वीडियो ऑन यूट्यूब. अब मुझे पता भी नहीं, अगर किसी और को भी ये टैक्टिक पता होगी वेल एंड गुड, बट दिस इज़ माई ओन ट्रिक, वट आई टेल यू एंड वट आई हैव जस्ट शेयर विद यू. सो ये देखिए पूरी टाई अंदर चली गई है, बाहर कुछ भी नहीं है. ये देखो, देख रहे हैं आप, पूरी टाई अंदर चली गई है. मैंने कॉलर उठाया तक नहीं. अब आप आपकी टाई बना सकते हो जैसे आप सिंगल नॉट बांध के बना सकते हो, जैसे आपको सिंगल नॉट बांधनी है, जैसा स्टाइल आपको करना है. ऑलराइट, आप वैसा कर सकते हो. अगर आप चाहें तो मैं आपको ये वीडियो में बता भी सकता हूँ सिंगल नॉट कैसे बांधते हैं. सो बेसिकली अगर मानो कि ये इधर आ गया, अभी मुझे एडजस्टमेंट करनी है ये टाई, तो आप ये सिंपली थोड़ा खींच के ऐसे एडजस्टमेंट कर लीजिए. ऑलराइट, ओके, अभी इसका सिंगल नॉट बांधते हैं एकदम आराम से, ये आगे आ जाएगा. सो मैं नॉर्मली सिंगल नॉट की टाई ही पहनता हूँ, बिकॉज़ वो आपका टाइम बचाता है एंड जो आपका नॉट है वो भी ज़्यादा मोटा नहीं बनता समोसे जैसे. सो ये देखो, ये मेरा सिंगल नॉट अभी रेडी हो जाएगा. कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने घुमा के ये मैंने पीछे से लिया और आगे डाल दिया, ये मेरा नॉट रेडी हो गया. सो कॉलर मैंने उठाया तक नहीं और मेरा ये जो नॉट है, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दिस, आई विल जस्ट अटैच इट हियर, ओके. और ये जो मेरा नॉट है वो मेरा रेडी हो गया. ऑल राइट, ये देखिए, एट टाइम्स क्या होता है जब आप शर्ट को स्टार्च कर लेते हो, तो शर्ट स्टार्च करने के बाद में आपके जो कॉलर हैं वो बहुत स्टिफ़ हो जाते हैं. एंड अभी स्टिफ अगर कॉलर हो गए हैं, बिकॉज कॉलर अगर अच्छे हैं तो वो ब्लेज़र पे अच्छे लगते हैं. इट शुड बी लुक वेरी क्रिस्प विदाउट एनी रिंकल्स. तो अगर आप ये टैक्टिक यूज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी, आप सीख जाएंगे, फिर ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है. ये देखिए,
टाई का नॉट भी एकदम ठीक ठाक बंधा है, परफेक्ट बंधा है राधव। टाई कहीं से बाहर भी नहीं आ रही है, एकदम परफेक्ट। टाई की लेंथ भी एकदम ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक बेल्ट तक। मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज मेरा ट्राईपॉड एक स्टैंड एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा हुआ है। सो ऑलराइट, सो ये थी मेरी क्विक ट्रिक, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। वैसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि ये मैं वीडियो बनाऊं ऐसा कुछ, बट जस्ट मुझे क्लिक हुआ कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, बिकॉज मुझे दो तीन लोगों ने पूछा था ऑफिस में कि यार तू ये ऐसे कैसे कर लेता है, टाई ख़राब नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल टाई ख़राब नहीं होती है, आपको सिर्फ जेंटली ऐसे अंदर की तरफ डालना है और हल्के से लेफ्ट हैंड साइड से खींचते हुए यहाँ से फिर से इसको इंसर्ट करना है। दैट्स अबाउट इट। वीडियो अच्छा लगा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को दिखाओ, उनको भी मदद करो।